हरियाणा गठन के 50 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर जहां पर गुरुग्राम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अलग से कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया पंचकुला में, हरियाणा गौरव सम्मान समारोह। और इस बीच कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सबको न्योता दिया था, लेकिन नाराजगी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से देखी जा रही है। और ये मंच की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद वो वहां पर जनता को संबोधित करेंगे। इस बीच कई बड़े ऐलानों की भी उम्मीद जो है जनता यहां पर लगाए बैठी है और बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हरियाणा ने अपने गौरव के 50 साल पूरे कर लिए हैं, गठन के 50 साल पूरे कर लिए हैं और भव्य कार्यक्रम गुरुग्राम में मनाया गया है। और तस्वीरें गुरुग्राम की सीधे आप देख पा रहे हैं, अपने आप में खास दिन है हरियाणवियों के लिए, हरियाणा के लिए, और इसी गौरव को आज उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव का आगाज आज से हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी उनका अभिवादन करने वहां पर पहुंचे, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर पहुंचे, चौधरी वीरेंद्र सिंह वहां पर थे, राज्यपाल वहां पर थे। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कार्यक्रम में शिरकत करने वो आज पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं गुरुग्राम की, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। और आज मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ सौगात जनता को देंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इस बीच 50 ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर काम जो है सरकार ने शुरू कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि आज इन सभी जो परियोजनाएं हैं उनका ऐलान हो सकता है। इससे पहले कल ही 2 से 3 परियोजनाओं का ऐलान जो है या योजनाओं का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया था, यानी कि जनता को जो सौगातों का पिटारा है वो खोल दिया गया है। और आज बड़ी उम्मीद जो है वो जनता को है कि आज मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को बड़ी सौगात दे सकते हैं। तो भव्य कार्यक्रम आज गुरुग्राम में, हरियाणा के 50 साल पूरे हो गए हैं, एक खास मौका हरियाणियों के लिए, हरियाणा की जनता के लिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम जनता वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए खड़ी हो रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से इस विशेष तालियों की गड़गड़ाहट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। 50 साल हरियाणा की स्थापना को, और आज का दिन हमारे लिए खास दिन, बड़ा दिन, जबकि हम हरियाणा का स्वर्ण उत्सव मना रहे हैं। तो कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री जी आपके बीच पधारेंगे। तो हरियाणा का स्वर्ण उत्सव का आगाज आज गुरुग्राम से हो गया है और जनता बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर बाद मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख जाएंगे और जनता को बेसब्री से इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से क्या कुछ कहेंगे, कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से तोहफे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जनता को समर्पित किए जाएंगे। तो भव्य कार्यक्रम का आयोजन गुरुग्राम में किया गया है। हरियाणा आज अपने 50वीं साल गिरा मना रहा है, एक बड़ा खास दिन, बेहद खास दिन, गौरव का दिन सभी हरियाणियों के लिए, हरियाणा की जनता के लिए, और एक खास कार्यक्रम गुरुग्राम में उपस्थित हैं उत्साह और उमंग के इस महापर्व को मनाने के लिए। और ये महापर्व है हरियाणा के, काफी दिनों से इस कार्यक्रम को आज पलटेंगे हम, ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई और आज का वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर बाद मंच से लोगों को संबोधित करेंगे। हम सुनेंगे कहानी पहली मानव सभ्यता की, कुरुक्षेत्र के